तो चलिए साहब, कुछ कह रहे हैं महाराष्ट्र के एमएलए साहब। नमस्कार, मी आज गुवाहाटीतनं आपल्या सर्वांशी संवाद साधतोय। मला एक पहिला संभ्रम सर्वांमधला दूर करायचा आहे, तो म्हणजे मी शिवसेनेतच आहे, शिवसेनेसोबतच आहे, परंतु आपल्या बाळासाहेबांच्या आणि उद्धव साहेबांच्या शिवसेनेला ज्यांच्या वागण्यामुळं वाईट नजर लागलेली आहे, त्या वाईट नजरेतनं, म्हणजेच घटक पक्षांच्या वाईट नजरेतनं शिवसेनेला बाहेर काढण्याचा जो निर्णय एकनाथ शिंदे साहेबांनी घेतला, त्यांचं समर्थन म्हणून मी गुवाहाटीमध्ये आलेलो आहे। आणि याच पार्श्वभूमीवर काल रत्नागिरीमध्ये देखील शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांची एक बैठक झाली। मला त्यांना देखील एक आवाहन करायचं आहे, कोणाच्याही गैरसमजाला आपण बळी पडू नका। मी शिवसेनेतच आहे, वंदनीय बाळासाहेबांची, उद्धव साहेबांची शिवसेना ही टिकली पाहिजे यासाठी आम्ही सगळ्यांनी घेतलेला हा निर्णय आहे। आणि म्हणून याचं एकच उदाहरण मी आपल्याला देतो की जी 15-20 दिवसापूर्वी राज्यसभेची निवडणूक झाली आणि त्याच्यामध्ये छत्रपती संभाजीराजांना पुरस्कृत म्हणून आपण तिकीट देणार होतो, त्याच्यानंतर आपण सर्वसामान्य शिवसैनिकाला ते तिकीट दिलं, परंतु त्या शिवसैनिकाला राज्यसभेमध्ये कसं जाता येणार नाही। तो साहब क्यों आए वहां से छोड़कर, ये बता रहे हैं। खैर, एकनाथ शिंदे जी ने ट्वीट किया है, शिवसेना एमएलए उदय सामंत हैज एक्सप्रेस हिज व्यूज, आई हैव कम टू गुवाहाटी एज आई एम फेड अप विद द कॉन्स्पिरेसी ऑफ द एलाइज टू वीकन शिवसेना पार्टी फॉर द लास्ट फ्यू डेज। तो साहब ये भी इसलिए आए, एक और जुड़ गए मतलब, तो ये भी इसलिए आए वहां से छोड़कर क्योंकि बहुत दुखी हो गए, परेशान हो गए इन लोगों की हरकतें देखकर, शिवसेना को जो नुकसान पहुंचाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? लेकिन इस सब के बीच में उद्धव ठाकरे और उनका जो ग्रुप है वो इन लोगों को खूब गालियां दे रहा है, लेकिन मामला तो कुछ और ही है। हम ऐसा नहीं कहते भाई, आपके सामने एबीपी ऐसा बता रहा है। ब्रेकिंग न्यूज, उद्धव ठाकरे ने सरकार बचाने के लिए फडणवीस को फोन किया था। सूत्र, बीजेपी हाईकमान से बात करना चाहते थे उद्धव ठाकरे, सरकार बचाने के लिए फडणवीस को फोन किया था। कमाल, अरे ये फोन अगर अपने एमएलए को कर लिया होता सर तो ऐसी नौबत नहीं आती है ना। कितने कमाल की बात है सर, जो लोग बाहर दिखता है उससे बिल्कुल हटकर कुछ और चल रहा होता है। खैर चलिए आगे आइए, कोई मोल कुछ नहीं कर पाएगा। हम शिवसेना में हैं, हम शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। एकनाथ शिंदे, गुवाहाटी आसाम। ये बाहर नहीं गए भाई साहब, बाहर नहीं गए, शिवसेना में ही है और शिवसेना ही से सब कुछ होगा, कोई बाहर नहीं जा रहा। कुछ लोग सोच रहे थे ये बाहर चले गए, चलिए होटल से भी बाहर आए सब और महाराष्ट्र भी पहुंचेंगे। अच्छा, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे आप, लेकिन इसी बीच बहुत मूवमेंट क्या होगा इस पर नजर है। सूत्र ये जानकारी, भूमिका तुमच्या पर्यंत वारंवार मांडताय, ही सगळी माहिती जी आहे हे आमचे केसरकर जे आहेत ते प्रवक्ते जे स्पोक्स पर्सन आहेत ती तुम्हाला वेळोवेळी माहिती देत आहे। हमारे जो स्पोक्स पर्सन केसरकर जी है वो आपको पूरी जानकारी इन्फॉर्मेशन, जो हमारा जो स्टैंड है, हमारी जो भूमिका रही है, जो उसका उसकी जानकारी वो बार बार आपको दे रहे हैं। हमारी जो बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व की जो बात है हम लोग आगे ले जा रहे हैं और शिवसेना में हम लोग हैं और शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। और आपको जैसे ही हमारा अगला जो कदम है, अगला जो स्टेप है, उसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे बिल्कुल। अरे मैं तुम्हारा पुनः एक बार संतो, एकनाथ शिंदे जी बिल्कुल टिपिकल मंझे हुए पॉलिटिशियन की तरह काम करते हो। टिपिकल मंझे हुए पॉलिटिशियन की खास आदत होती है, वो आदत ये होती है कि कोई भी समझदार आदमी जो होता है वो डायरेक्टली आकर मीडिया को अपना बयान नहीं देता। उन्होंने भी वही किया, बयान खुद नहीं दिया, उन्होंने कहा कि हमारे जो स्पोक्स पर्सन है वो आपको समय समय पर बताते आए हैं, आगे भी बताते रहेंगे। बहरहाल महाराष्ट्र मुंबई वापस जाने की तैयारी हो गई है और मुंबई पहुँच भी रहे हैं। शुभंकर जी कहते हैं आई थिंक मोस्ट ऑफ कल्प्रिट्स इन आवर कंट्री रिपोर्ट बिहाइंड बाय 2024। शुभंकर जी अभी बहुत है, आप जितना सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा ना, आपकी कल्पना से भी ज़्यादा, जहाँ आपकी सोच खत्म हो जाती है वहाँ से ये शुरू होते हैं। खैर बहरहाल, तो वापस भी जा रहे हैं
कोर्ट से भी ये हो गया है, गवर्नर साहब ने भी इस जो है इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं डीजीपी को कि कोई कुछ होना नहीं चाहिए। अब ऐसे में क्या करें, अब ऐसे में रंग उतर गया साहब। कहते हमारे एक शिवसैनिक पर 10 लोगों ने हमला कर दिया, अभी उसकी हालत ठीक है, ऐसे शिवसैनिकों की वजह से हमारी पार्टी बुलंदी पर है। जो शिवसेना के टिकट पर निर्वाचित हुआ और गुवाहाटी में बैठा है, उसने अपने समर्थकों के माध्यम से हमारे शिवसैनिकों पर हमला कराया, शिवसेना नेता संजय राउत। अरे क्या हो गया सर, आप तो कह रहे थे आपके लोग उनको पीटेंगे, हमें एक इशारे का लोग हजारों लोग इंतजार कर रहे हैं फलान, क्या हो गया? ये तो उल्टा हो गया सर, आपके लोगों को तो पीटना शुरू कर दिया लोगों ने, जनता ने दौड़ा दौड़ा के पीटना शुरू कर दिया। अरे अभी तो शुरुआत है सर, अभी से इतना परेशान हो रहे हो आप, और शिवसेना में खासी नाराजगी जो है इन्हीं से, किसी और से नहीं है। खैर चलिए साहब, देवेंद्र फडणवीस जी ने लेटर दे दिया है, वी हैव गिवन अ लेटर टू द महाराष्ट्र गवर्नर डिमांडिंग एन इमीडिएट फ्लोर टेस्ट। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र एलओपी एंड बीजेपी लीडर, तत्काल प्रभाव से फ्लोर टेस्ट करा लें, महाराष्ट्र के गवर्नर को ये लेटर दिया है। तो ये लेटर जो है गवर्नर को क्यों दिया, ये लेटर तो जो सभापति हैं उनको देना चाहिए था, ये लेटर तो विधानसभा अध्यक्ष को देना चाहिए था। तो अध्यक्ष तो है नहीं, सभापति तो है नहीं, उपसभापति हैं, तो उपसभापति हैं, जब सभापति नहीं हो तो वही उपसभापति माने जाएंगे, उनको क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनके खिलाफ ही है ये सारा प्रस्ताव, है ना, उनको भी हटाया जाना है, तो एक अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ भी आएगा, सरकार के खिलाफ भी आएगा, दोनों के खिलाफ आएगा। और ऐसे में जब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आना है तो उनको तो नहीं दिया जा सकता, तो वो गवर्नर को ही दिया जाएगा, है ना। तो ये कुल मिलाकर अब तक की घटना है। ये लगभग रात को 10:30 बजे इसकी जानकारी, 11 बजे इसकी जानकारी आई, और अभी रात में जब ये लाइव चालू हो रहा था ठीक उस समय पर ये खबर आई, और ये रात के 1:30 बजे वहाँ से निकलते हुए लोग, कहाँ से देखें ज़रा कौन कौन है, मुंबई महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, भाजपा एमएलसी प्रवीण दारेकर व भाजपा अन्य नेता, पार्टी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास के मीटिंग के बाद निकले। तो देवेंद्र फडणवीस के आवास से निकले लोग, उनसे मीटिंग करके निकले, और इस बीच दोपहर में ये खबर आ गई थी कि बीजेपी ने सख्त निर्देश दे दिए अपने सभी MLCs, MLAs को और जितने भी महाराष्ट्र के मंत्री के, वो महाराष्ट्र में ही रहें, महाराष्ट्र छोड़ के कहीं नहीं जाएं, और सब लोग उपलब्ध रहेंगे, कोई भी व्यक्ति, कोई भी MLA, MLC, MP जो महाराष्ट्र में जो है उसका फ़ोन बंद ना हो, वो संपर्क में रहे और हर प्रकार से संपर्क में रहेंगे एक दूसरे के। तो ये आलाकमान ने, बीजेपी आलाकमान ने सुबह ही ये एक फरमान जारी कर दिया था, तो इस फरमान के बाद में जो है अब आपको सामने चीज़ें दिख रही हैं क्या हो रहा है, और महाराष्ट्र का घटनाक्रम भी चलेगा। लेकिन शाम को देर रात जो है अरे बाप रे बाप, ठीक है जी, तो ये घटना जो है केमिकल फैक्ट्री बोईसर में महाराष्ट्र में, वहाँ ये आग लगी, धमाका हुआ बोईसर का, और ये देर रात हुआ, यानी कि रात के 1 बजे के आसपास की खबर है, 12-1 बजे के आसपास की। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, अभी इसकी जानकारी पूरी आई नहीं है, जानबूझकर किया गया या वैसे हुआ, है ना। ठीक है, तो हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से सपोर्ट करना, कॉन्ट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम UPI एड्रेस है nshuklain@upi। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/nitinshukla पर और paypal.me/nitinshukla GWL पर कंट्रीब्यूट कर दे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल टू रिसीव अ नोटिफिकेशन एवरी टाइम अ वीडियो इज अपलोडेड। इफ यू लाइक टू कंट्रीब्यूट टू द चैनल, यू कैन कंट्रीब्यूट टू patreon.com/sanathani, paypal.me/sanathani।